हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अशु'ज़ किचन। आज हम बनाएंगे चीजी चिकन रोल। ये रोल आप स्टार्टर के लिए भी कर सकते हैं या नॉर्मल स्नैक्स में खाने के लिए भी कर सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं इंग्रेडिएंट्स से। ब्रेड स्लाइस, ऑनियन, चिकन, बोनलेस चिकन लिया है छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके, नमक, रेड चिली पाउडर, गरम मसाला, पानी, तेल। तेल हमें स्टफिंग बनाने के लिए भी चाहिए और रोल फ्राई करने के लिए भी चाहिए। धनिया और जीरे का पाउडर, हरा धनिया, चीज। अब हम स्टार्ट करते हैं इसे। पहले हम बनाएंगे स्टफिंग। उसके लिए हम गैस ऑन करेंगे। फिर हमने पैन रखा है, अब हम उसमें तेल डालेंगे। तेल गरम होने के बाद उसमें हम ओनियन डालेंगे। हमें जितना लगेगा उतना ही हम यूज करेंगे। ओनियन हमारा गोल्डन ब्राउन होने के बाद हम इसमें चिकन डालेंगे। हमने कट करके दिए हैं, वो डालेंगे। नमक, ढक्कन ढक के अब हम इसे पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। अब हम इसमें रेड चिली पाउडर, फिर थोड़ा सा गरम मसाला, धनिया और जीरे का पाउडर, फिर हम इसे ढक्कन ढक के पकाएंगे। देखिए चिकन पक गया है। लगभग 5 से 10 मिनट के लिए हमने इसे कुक किया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। छोटे पीसेस है इसीलिए ये जल्दी पक गए हैं। अगर बड़े पीसेस हो तो उसे आपको पका के लेना होगा पहले ही। अब हम इसे निकालते हैं। अब हम एक ब्रेड लेंगे, उसके साइड्स हम कट करेंगे। स्लाइस के हमने साइड्स कट करके लिए है। अब हम बाउल में पानी लेंगे, फिर ये स्लाइस इसमें डीप करेंगे। हाथ से इसे दबाएंगे। इसे रखेंगे। मैंने जो चिकन का स्टफिंग किया है उसे इस पर इसे डाल देंगे। अब हम इस पर थोड़ा सा चीज ग्रेट करेंगे। और अब इसे बंद करेंगे। हमने रोल बना के लिए है, अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे। तेल गरम हो गया है, अब हम इसे फ्राई करने के लिए। गोल्डन ब्राउन होने तक हमें फ्राई करना है।
हाई फ्लेम में डीप फ्राई करेंगे ताकि ये क्रिस्प हो जाए। रोल फ्राई हो गए अच्छे से, अब हम इसे एक प्लेट पर टिश्यू पेपर रख के उस पर निकाल लेंगे। बाकी के भी इसी तरीके से हम फ्राई करके लेंगे। चीजी चिकन रोल हमने डीप फ्राई करके ले लिए है, अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। हमने इसकी प्लेटिंग कर ली है और इसे सॉस के साथ और हरे धनिया के साथ गार्निश कर लिया है। इसी तरीके से आप भी अपने घर पे से ट्राई कीजिए और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैप्पी कुकिंग। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।